लखीमपुर खीरी के थाना खीरी क्षेत्र के एक गांव में तमंचे के बल पर तीन युवकों ने जबरदस्ती लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार किया। अभी तक खीरी थाने में उसकी नहीं सुनी गई, दर दर की ठोकरें खाने के लिए ऑफिसों के चक्कर काट रही है युवती। युवती जब घर पर अकेली थी, उसके माता पिता दवाई लेने गए थे। मौके की तलाश में लगे गाँव के ही तीन युवक, निवासी मोहल्ला हिदायत नगर लखीमपुर खीरी के तीन युवक उसके घर में घुस गए और तमंचा लगाकर शोर न मचवाने के लिए धमकाया और बारी बारी से बलात्कार किया और कहा अगर पुलिस से शिकायत किया और इस घटना के बारे में किसी को कुछ बताया तो तुमको और तुम्हारे माता पिता को जान से मार दूंगा। जब युवती के माता पिता दवाई लेकर आए तब युवती ने पूरी घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी। हमारे पापा मम्मी दवा ले गए, हम अकेले घर पर रहना अपने, और जब ये आए हैं ये मैं दरवाजे से नहीं, तो कहीं तुम्हारे पापा मम्मी कहाँ है, तो हमने कहा बबलू अल्ताफ इशरत आए रहें, तो कहीं तुम्हारे पापा मम्मी कहाँ, तो हम कहीं दवा लेने गए हैं, कहने अच्छा, तो हमने कहा रुको अभी चाय बना दे, इनके में पहले काम करते थे हम, तो कहीं चाय ना पिला हमको कुछ और पिला दो, तो हमने कहा और कुछ का हम पिला दे, ये तीन लोग हम झपरट्टे गिराए लेने का, हमारी बड़ी बेइज्जती करें, जब हमारे पापा मम्मी आए हैं तब हम बताए हैं, 8 बजे रात कहीं आए हैं तब हम सारी बात बताए। अच्छा, एप्लीकेशन आपने कब दी? 18 तारीख को। ठीक, और उसके बाद में जब एप्लीकेशन दी अभी तक मुकदमा पंजीकृत हुआ फिर थाने में कि नहीं? नहीं, अभी कुछ कोई सुनवाई क्या कह रही है? कोई सुनवाई नहीं कर रही है। क्या कहती है पुलिस, मुलाकात पुलिस से अभी? नहीं अभी नहीं, एक बार हुई है, दोबारा में तो बहन व मुंडन में चले गए, दोबारा आई तो अभी लगाई नहीं। अच्छा अच्छा, क्या कुछ आश्वासन दिया पुलिस ने, कुछ कहा पुलिस ने आपसे? हाँ किया, ये का पूछा हूँ थोड़ा, अभी चले यही पूछा, कहा तुम कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो हमने सारी बात बता दिया, ऐसे ऐसे हुआ है, हमारा पापा मम्मी रहे नहीं रहे, सारी मेरी बेइज्जती कर डाली, तब हम सुनवात कोई नहीं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।